पहले ही दिन महंगाई का झटका, कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़े और इसके साथ में सीएनजी के भी दाम बढ़ने वाले हैं। बता दूं क्रेडिट कार्ड से जुड़े भी कई सारे नए नियम बदल गए हैं, तो आइए जानते हैं कि क्या क्या बदला हुआ है पहले ही दिन पर। सबसे पहले तो कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर महंगा हो गया है, उसके नए रेट जारी कर दिए गए हैं। 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 39 रुपए महंगा हो गया है, यानी कि सीधा 39 रुपए की बढ़त हुई है। और 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत अब बढ़कर 1691.50 रुपीज हो चुकी है। वहीं पर घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं आया है। 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की पुरानी कीमत 803 रुपए पर ही अभी भी मिल रहा है। वहीं पर दोस्तों बता दूं सीएनजी और पीएनजी के साथ ही जो एयरप्लेन में ईंधन होता है एटीएफ, उसकी भी कीमत आज बढ़ने वाली है। और इसी पर परिवहन की लागत और खास तौर पर हवाई यात्रा पर भी असर पड़ने वाला है। खाने पीने की चीजें भी महंगी होगी और अगर कीमत बढ़ती है तो ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा बढ़ने वाला है, क्योंकि सीएनजी और पीएनजी दोनों ही कीमतें बढ़ने से अक्सर यही चीजें बढ़ती हुई दिखाई देती है। वहीं पर दोस्तों तीसरी अपडेट यह निकल कर आई है कि जो लोग अपने आधार कार्ड के अंदर फ्री में कुछ चेंजेस करवाना चाहते हैं डॉक्यूमेंट्स का, उसका सही अपडेट करना चाहते हैं, तो उसकी डेट 14 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। यानी कि अगर आप आधार कार्ड को UIDAI के पोर्टल पर जाकर अपलोड करते हो तो 14 सितंबर तक आप अपने आधार कार्ड के अंदर नाम पता या जो भी चीज़ें आप चेंज करवाना चाहते हो वो यहाँ पर बदलवा सकते हो। और चौथी खबर क्रेडिट कार्ड के लोगों को लेकर है। क्रेडिट कार्ड के भी कई नियम बदल गए हैं। HDFC बैंकों का क्रेडिट कार्ड जो इस्तेमाल करते हैं उन सभी लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। जो पहले यूटिलिटी ट्रांजेक्शन पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स का इस्तेमाल करते थे, वो रिवॉर्ड पॉइंट अब हर महीने सिर्फ 2000 पॉइंट से मिलने वाले हैं। HDFC बैंक अब थर्ड पार्टी एप्स के माध्यम से जो पेमेंट है उसका रिवॉर्ड पॉइंट नहीं देने वाली है। आपको पता होगा दोस्तों क्रेडिट कार्ड के अंदर कई सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए जाते हैं अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हो, तो HDFC ने वो पॉइंट्स अब देने बंद कर दिए हैं। सिर्फ 2000 पॉइंट्स ही हर महीने आपको क्रेडिट कार्ड से मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं जो लोग IDFC फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है, क्योंकि IDFC बैंक ने कहा है कि उनके जो इंटरेस्ट रेट है वो और भी ज़्यादा कम कर दिए गए हैं, और यहाँ पर इससे कार्ड होल्डर जो रहेगा उसको पेमेंट करने में आसानी होगी। तो आप काफ़ी जल्दी IDFC फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ करके जल्दी पेमेंट कर सकते हो, वो भी कम इंटरेस्ट के ऊपर। यही दोस्तों पांचवी खबर निकल कर आई है कि फर्जी कॉल पर लगाम लगने वाली है। दोस्तों ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को बोल दिया है कि जो भी फर्जी कॉल और फर्जी मैसेज आने वाले होते हैं उन सभी को आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। यानी कि वोडाफोन, जियो, एयरटेल, BSNL यूजर्स को ये बात ध्यान देनी पड़ेगी कि यहाँ पर सख्त गाइडलाइन जारी कर दिए हैं। जो कि अनरजिस्टर्ड मैसेज आपको आते थे जिसके अंदर फालतू के लिंक्स होते थे कि आप अगर क्लिक करते हो तो आप कुछ भी अपडेट कर सकते हो, तो ट्राई ने ये बिल्कुल निर्देश दे दिए हैं कि जो भी फर्जी कॉल आने वाले थे, फर्जी मैसेज आने वाले थे, वो अब बंद हो जाने चाहिए। तो इससे ये उम्मीद की जा रही है कि 1 सितंबर 2024 से अब यहाँ पर फर्जी कॉल और मैसेजेस पर रोक लगने वाली है। तो दोस्तों इसी तरीके से दुनियादारी की हर खबर को जानने के लिए हमारे चैनल रैपिड इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिए।